जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर की मासिक बैठक पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने की। बैठक में मुख्य अतिथि विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने शिरकत की। बैठक में जिला कांग्रेस ने सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया और विधानसभा चुनावों में जिला में 3 सीटें जीतने पर हमीरपुर की जनता और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। बैठक में एक अन्य प्रस्ताव में जिला कांग्रेस के सभी नेताओं ने एक मुश्त तरीके से हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयान की कड़ी निंदा की है और कहा कि अच्छा होता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह उनके एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जिला हमीरपुर में आई 3 सीटों के लिए जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते। उनके बयान से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद का सम्मान होना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू अच्छा काम कर रहे हैं। एक अन्य पारित प्रस्ताव में जिला कांग्रेस ने कहा कि पार्टी से बाहर निकलेंगे, भीतरघात करने वालों को पार्टी हाईकमान ने बाहर का रास्ता ब्लॉक कांग्रेस के पारित प्रस्ताव के ऊपर की कार्यवाही के तहत ही किया है, जिसका जिला कांग्रेस हार्दिक स्वागत करती है ताकि भविष्य में ऐसे भीतरघात करने वालों को सबक मिले। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए कि हर माह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन सुनिश्चित करें, जिससे कि संगठन को मजबूत किया जा सके। बैठक में पूर्व विधायक अनिता वर्मा, रिसर्च डिपार्टमेंट चेयरमैन सुनील शर्मा, प्रेम कौशल, राजेंद्र जार, अतुल सुमन भारती, रामचंद्र आदि मौजूद रहे। बैठक का आयोजन किया गया जो मासिक बैठक है और हर महीने ऐसी बैठक का आयोजन किया जाता है और आज जो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है जिसमें कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत करना है, संगठन को किस ढंग से बूथ स्तर पर मजबूत करना है और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें संगठन की क्या भूमिका रहेगी, आज उसके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो प्रधान हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो मासिक बैठकों का आयोजन करें जिससे पूरे जिला स्तर पर जो बैठकों का आयोजन होगा और हम लोग वहां पर उन बैठकों में जाकर सम्मिलित होंगे। कांग्रेस कमेटी के प्रधानों को जो निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो मासिक बैठकों का आयोजन करें और उन मासिक बैठकों में मैं खुद बैठकों में जाऊंगा और संगठन को मजबूत करने के लिए क्या नीति रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, वो जिला स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी और पंचायत स्तर पर भी संगठन को मजबूत करने के लिए जो है एक वहां पर एक निर्णायक जो होगा आने वाला लोकसभा चुनाव उसके लिए किस तरह से तैयारी करनी है उसके ऊपर भी हम लोग जो है कार्य करेंगे।